Hello and welcome to Bollywood Wala. I am here with Maxima Basu. She is a very well-known costume designer. उन्होंने लाल कप्तान और बहुत सारे फिल्म्स के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, लेकिन आज हम लाल कप्तान के बारे में बात करते हैं. I believe एक फिल्म जब बनती है बॉक्स ऑफिस पर, उसके रिजल्ट्स कुछ भी होने दो, उसमें जो मेहनत लगती है वो काबिले तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि पीपल गिव देयर स्वेट एंड ब्लड टू मेक अ फिल्म हैपन, कॉस्ट्यूम्स स्पेशली. मैम, मैंने आज तक कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का इंटरव्यू नहीं किया मेरे चैनल पर, सो दिस इज़ द फर्स्ट. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ब्रीफ मिलता है स्पेशली एक फिल्म पर काम करते वक्त? लेट्स टॉक अबाउट लाल कप्तान, दैट्स योर लेटेस्ट वन विच रिलीज. तो किस तरह का ब्रीफ था एंड हाउ डिड यू गो अबाउट यू नो मेकिंग इट हैपन? नवदीप सर का जो ब्रीफ था वो एक रिसर्च, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया था विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग. एक डॉक्यूमेंट आया था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट करके, मतलब दिस फिल्म इज, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियन, दे लाइकिंग नॉट लाइकिंग, सबको अपना पसंद नापसंद. वो तो ओपिनियन है, वो तो ओपिनियन है, ठीक है. बट आई एम जस्ट टॉकिंग द हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिल्म. हमको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट करके एक लिटरेचर आया था, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर द फिल्म इज, यू नो द वे द कंट्री वॉज एंड ऑल द कल्चर्स वेर मिक्सिंग इन, कमिंग इन एंड आउट. चाइनीज आ रहे थे यहाँ से, अफगान आ रहे थे, मतलब इंडिया वॉज एन ओपन लैंड, खुला गेट, मतलब कोई भी आ रहा था, कोई भी लूट रहा था. तो वो एक बहुत ही रस्टिक स्पेस था. तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नवदीप सर की तरफ से ही आया था, विच इज़ वाई द फिल्म लुक्स दैट ऑथेंटिक. ओके. आई हैव ऑल्सो डन बाजीराव एंड आई हैव ऑल्सो डन पद्मावत, सो आई हैव ऑल्सो डन, लेट्स डू हर अ सल्यूट. सो आई हैव डन फिल्म्स विच आर गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल, बट इन माई करियर आई विल ऑलवेज बी वेरी प्राउड ऑफ लाल कप्तान, बिकॉज वी हैव डन द ऑथेंटिक थिंग एंड वी हैव डन द थिंग विच वॉज इंडिया देन. Okay. Ma'am, where do you get these costumes from? How do you source them? Actually, we read a lot. Okay. And it's not really possible. I don't know if I can, matlab koi atma kahin se aake mujhe agar bolegi aapne jo bana hai perfect bana hai, that is the only way that I can verify, or museum pieces se if I compare. Okay. Ki I can verify what we have done is authentic, but we actually go through a lot of text, we go through a lot of research, people who've studied costumes, unka dekh ke we try to source रीजनल वीव वगैरह, जो अभी भी हमारे कारीगर इंडिया में हालांकि कमते जा रहे हैं, उनका ओरिजिनल वीव्स लेके उन पे हम टेलर करते हैं. वी ट्राई टू डू द सेम टेक्निक, हम लोग ने खुद हाथ से सिलाई की, हाथ से बटन बनाए, वो सब हम कोशिश करते हैं जितना कर सकें. ओके. सो वी डिड दैट. एक बात बताइए ना जी, रणवीर सिंह ने जो पहना था पद्मावत में और जो अवतार था उनका, वो जैकेट वैकेट या जो लेदर्स पे, वो थोड़ा थोड़ा ड्रामेटाइज था, गुड, बट लेकिन इट वर्क, इट वर्क, बट मस्त था, इट वाज गुड. देयर वाज अ चॉइस कि यू नो वी वांटेड टू डू लार्डन लाइक. ओके. उस टाइम पे यार तो मतलब दिल्ली से लेके तो वेयर वाज दैट, चित्तौड़गढ़ तो अगर लूटने जा रहे हो, इतना आर्मर वार्मर पहन के वहन के तो नहीं होने वाला, दैट वाज नॉट रियली रियलिस्टिक. मे वो टू थिंक ऑफ कि एक्चुअली वॉर में जब आदमी जाएगा, सो लाल कप्तान इज वेरी रियलिस्टिक दैट वे. मतलब आप देख रहे हैं, अगर पांच से मतलब फाइव वॉरियर्स, तो फाइव वॉरियर्स ही थे उस टाइम पे वॉर्स, या फिर वो द स्पेस वाज मच मोर रियलिस्टिक लाल कप्तान. पद्मावत हमने उसको ऑब्वियसली हाइटन किया था. ओके, ऑलराइट, जस्ट टू मेक इट लुक गॉर्जियस. ओके, आई रियली लव्ड इट. आने वाले कल में प्रोजेक्ट्स क्या क्या है आपके? लाल सिंह चड्ढा. Oh my God! Madam, कुछ बताइए किस तरह का costume? नहीं नहीं बता सकती, I'm contract. She has just moved out of the frame, but I'm sure you must have done a fabulous job making Amir look the way. You haven't? You have? I'm doing it. Okay, it is still in process. Yeah, it's still in process. Okay, Lal Singh Chadda के अलावा? अभी एक ही है, with Amir. Just Amir Singh. She is also a perfectionist in her own way, but. Thank you so very much, Maxima, and wish you all the very best. Thank you so much. I'm so happy to just see him. I see his YouTube videos. Thank you. Now he's interviewing me. I'm feeling very happy. मेरे fans को भी बोलिए share, subscribe. कैसा like करिए, कैसा नहीं करिए, और क्या share करिए, and please लाल कप्तान के बारे में और गाली नहीं, not anymore. Not anymore. Thank you, Maxima. Thank you.